दिल्ली में 4 घंटे चली कोर कमेटी की बैठक में 2023 का रोड मैप स्पष्ट कर दिया गया है। बीजेपी यूपी की तर्ज पर प्रदेश में आगे बढ़ने जा रही है और जातिगत आधार पर सत्ता और संगठन पर इसका असर दिखाई दे सकता है। ये खास खबर देखिए आप। बीजेपी का 2023 का रोड मैप तैयार, जातिगत समीकरण पर बढ़ेगी बीजेपी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने पार्टी की तरफ से क्या रणनीति होगी इसे साफ कर दिया है। पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ अनुसूचित जनजाति जाति के साथ ओबीसी पर आगे बढ़ने जा रही है और इन वर्गों के लिए लोगों को नई जिम्मेदारी के साथ अधिकार देने की तैयारी में है। बीजेपी ने यूपी चुनाव का समीकरण सामने रखकर हर हाल में बूथ मजबूती के साथ 51% वोट प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया है। बैठक में प्रदेश मुख्यालय को नया कलेवर देने पर भी बात हुई। नीचे से जो फीडबैक आता है, समाज में जन कल्याण के काम कैसे और अधिक ताकत से करने हैं, कैसे समाज के सुख की चिंता करनी है, जन कल्याण की योजनाएं बनानी है, उसके लिए पूरा परिवार बैठता है, क्योंकि पार्टी हमारा एक परिवार है। हम परिवार की पार्टी नहीं है कांग्रेस की तरह। इसलिए आज चौतरफा जो विकास हो रहा है, संवेदनाओं के साथ जो निर्णय हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि जो भी फीडबैक अन्य अन्य कार्यकर्ताओं से आते हैं उनके आधार पर योजना बनाकर आगे की गतिविधियां चलाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी यथार्थ पर, जन कल्याण पर और संवेदनाओं पर काम करने वाला दल है और उसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की बैठकें और प्रयास होते हैं। बीजेपी की इस अहम बैठक में 2018 की उन परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई जिसमें वोट प्रतिशत ठीक रहने के बावजूद सत्ता से चूक गए। हालांकि कांग्रेस अभी भी कह रही है कि बीजेपी 2023 में कुछ नहीं कर पाएगी। आज जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी लगातार इन नेताओं के संपर्क में हैं और लगातार उन्होंने पिछले अगर महीने आप देखेंगे तो 3-4 बार उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करी, जिसमें सभी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष जितने भी हमारे प्रदेश के हैं, दिग्विजय सिंह साहब हों, कांतिलाल भूरिया जी हों, सुरेश पचौरी जी हों, अरुण यादव हों, लीडर ऑफ अपोजिशन अजय सिंह जी हों, उनसे सभी लोगों से लगातार संपर्क में है और मीटिंग करके आगे की रणनीति पर 2023 पे वो चर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सभी नेताओं की जवाबदारी है। आज प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता है महसूस करता है कि सभी की अपनी भूमिका है, तभी हम 2023 में सरकार बना सकते हैं। रणनीति तो कांग्रेस भी बनाने में जुटी है, नहीं तो कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफा क्यों देते। खैर, बीजेपी अब रणनीति के लिहाज से लीड कर रही है, जल्द ही पार्टी नई रणनीति के साथ मैदान में नजर आएगी। बीजेपी के पास दो ऐसे रणनीतिकार हैं जिन्होंने अपना सफर फर्श से लेकर अर्श तक किया है और पार्टी ये समझ रही है कि यदि 2023 का रास्ता तय करना है तो हमें कार्यकर्ताओं को भी संभालना होगा, साथ ही सबका साथ सबके विकास के साथ आगे बढ़ना होगा। भरत मंदेला के साथ मनोज सैनी, मनसरी भोपाल।